धार जिले में बाग विकास खंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से 3400 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त टीम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कलावती वर्मा को पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि आंबा कार्यकर्ता से 500 रुपए प्रति माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने और आंबा कार्यकर्ता की भाभी के स्व सहायता समूह की जानकारी तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। आंबा कार्यकर्ता द्वारा जब इंदौर में इस बात की शिकायत की गई लोकायुक्त में, तो लोकायुक्त द्वारा पूरी तैयारी करते हुए 3400 रुपए केमिकल लगे हुए उसके पास भिजवाए गए और बाद में उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। महिला एवं बाल विकास में रिश्वतखोरी के कई मामले पिछले दिनों भी सामने आए, खासकर जिनमें महिलाएं रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई।